उनको दोस्त अलग कराओ फल से करते हैं जहाँ कभी लोग स्टार्ट। तो आज कभी लोग ये है कि आज हम आपको अपने घास दिखाते हैं कि ये सरसों के पौधे हैं, ये सरसों का पौधा, इन्होंने फूल ऊपर से निकाले हुए हैं। तो ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फूल है। धूप निकली है तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग कर लूँ। तो ये सामने देख सकते हैं जी, एक गंदम ने ऊपर से सिक्कियाँ निकाल ली हैं। तो ये इसमें अभी दाना डाल तो थोड़ा होगा दाना। तो ये बरसीन का घास है। तो ये देख लें सरसों का पौधा जी। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपके पास मेरी वीडियो आती रहे। यार आप वीडियो तो देख लेते हो, सब्सक्राइब तो नहीं करते यार, आपकी मोहब्बत तो नहीं दिखाते ना अपने आप। तो ये देखते हैं जी, ये सरसों के पौधे हैं, ये देख सकते हैं जी। अभी मैंने बकरियों के लिए ऊपर से दरख्त की एक टहनी को छानना है, तो बकरियों को डालेंगे। ये देख सकते हैं जी, ये ऊपर सर्दी की वजह से सारे पात्र इनके गिर गए हैं। तो नीचे वो जो सर्दी पड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा, तो इसकी वजह से सारे इनके जो पत्ते थे ना वो सारे गिर गए हैं। अभी ये फरवरी का महीना है, तो इसमें ये वो थोड़े थोड़े ये ग्रोथ करेंगे। और ये देखिए जी फूल, तो वो हमारे सफेदे हैं के दरख्त हैं। तो ये हमारी मस्जिद है। तो चलते हैं आगे, आपको और चीज़ें दिखाते हैं जी। तो ये गंदम की फसल है, तो ये चेक कर लें। ये फूल देखें सरसों के फूल देखें, ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो अभी ये छोटे हैं, इनके ऊपर ये देख लें, ये जो है ना यहाँ पर सरसों के पौधे होंगे। ये फूल चेक कर रहे हैं हर तरफ सब, इधर गंदम, इधर ये सरसों के पौधे।